तरीके से लेके करना क्या है, यहाँ पे इस तरीके से हम ये रख देते हैं। तो ये मिट्टी है, मिट्टी को ये ऊपर से आप लगा दीजिए। दोस्तों देख रहे हैं शुभ परिजात या शुभ हरिसिंहार का पौधा, कैसे इसको घना करते हैं, कैसे इसको बूसी करते हैं। और इसके साथ में दोस्तों जब ये पौधा बूसी हो जाएगा तो ये सर्दियों में चल के खूब ढेर सारे फ्लावर आएगा। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसको आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले आप कमेंट दोस्तों आप करके मुझे बताइएगा कि हरिसिंहार का पौधा आप अपने गार्डन में लगाएं कि नहीं लगाएं। अगर नहीं लगाया दोस्तों जरूर लगाइएगा। देखिए हमने कटिंग से लगा रखा था और कटिंग से लगाएं, देखिए मुश्किल से भी ये 2.5 से 3 महीने का पौधा हुआ है और देखिए इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से चलना शुरू हो गई है। तो इस पर क्या क्या आपको काम करना है, सबसे पहले आपको काम ये करना है कि इसको अगर आपको लगाना है दोस्तों, मैं बताऊं कि अगर नर्सरी से इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये बहुत सस्ते मिलते हैं, 20 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपको ये मिल जाएंगे। छोटा छोटा पौधा लेकर आइए और पौधा लेके आने के बाद इसको अच्छे तरीके से दोस्तों पोटिंग मिक्स आप तैयार करिए। पोटिंग मिक्स दोस्तों बहुत कुछ खास ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से हर पौधे की पोटिंग मिक्स आप तैयार करते हैं उस तरीके से इसमें भी कंपोस्ट, सैंड और वो सॉयल गार्डन ये ले लीजिए। उसके बाद इसमें नीम की खली हो गया, बोन मील हो गया, सरसों खली हो गया, सब चीज़ें मिलाइए, मिला के इसको लगा दीजिए। हाँ, ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा सा इसको स्ट्रांग रहे क्योंकि दोस्तों ये धूप वाला पौधा है, धूप वाला पौधा है, इसको पानी भी हमेशा आप लगातार आपको देना पड़ेगा। और पानी देंगे तो दोस्तों पानी क्या है कि पानी इसमें ठहरने ना पाए, पानी ये नीचे तक ये निकल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसको लगाने की, तो आप नर्सरी से ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा काम भी कर सकते हैं कि इसको एयर लेयरिंग से भी तैयार कर सकते हैं, कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और सीड से भी इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे दोस्तों होता क्या है कि जो कटिंग से बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, जैसे ये फ्लावर कंडीशन ख़त्म होता है इस पे, उसके बाद जैसे ये इसकी ग्रोथ की कंडीशन स्टार्ट होती है तो उस समय आप ढेरों इसकी कटिंग आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उस समय स्प्रूनिंग भी ये पौधा मांगता है। क्योंकि दोस्तों अगर इसको स्प्रूनिंग हम नहीं करेंगे तो अच्छे तरीके से पौधा ये बूसी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रहे। तो उसके बाद करना क्या है कि अगर आप लगा देते हैं तो लगाने दोस्तों को इसका कोई समय नहीं है, कभी भी किसी भी मौसम में ला के इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से ये ग्रो करेगा। उसके बाद हम बात करते हैं जब ये लगाने के बाद आपको कौन सा काम करना है, तो थोड़ी सी आपको ध्यान देना दोस्तों कि इसको धूप में रखना बहुत ज़रूरी, चाहे गर्मी हो, ठंडी हो या बरसात हो, ये धूप का पौधा है और इसे फुल सनलाइट में बहुत ज़रूरी है। हाँ, गर्मी के मौसम में जो दोपहर की धूप होती है उससे आप बचाइए, क्योंकि उससे तो दोस्तों किसी भी पौधे को आपको बचा के रखना होता है, क्योंकि उस समय जो होता है जो बहुत तेज़ धूप होता है और हम गमले में लगा रखे हैं पौधे को, तो दोस्तों उस समय दोपहर की धूप से गर्मी के समय में आपको बचा के पौधे को रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि इस पौधे में दोस्तों कौन सा फर्टिलाइजर आपको देना है। तो अगर फर्टिलाइजर के हम आपको बता दें तो इस टाइम पे देखिए इतना छोटा सा पौधा अगर आपके पास भी है तो इस समय आप जैविक खाद का प्रयोग ज़रूर करें। जैविक खाद में कौन कौन सा प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं, या सबसे पहले इसमें कंपोस्ट, दोस्तों कंपोस्ट तो आप जानते हैं, कंपोस्ट इसके लिए बहुत मस्ट फर्टिलाइजर है। देखिए हम इसमें वर्मी कंपोस्ट ले रखे हैं और वर्मी कंपोस्ट को इसको हमको यूज करना है। अभी दोस्तों हम ये 15-20 दिन पहले इसमें एक फर्टिलाइजर यूज किया हुआ था, मात्र केवल सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम की खली दोनों हमने मिला दिया था और देखिए उसका रिस्पॉन्स, देखिए ये ग्रो होना ये शुरू हो गया है। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो जो पोटिंग में तैयार करके लगाते हैं तो उसके लिए आपको ये जो गमले जो चयन करना है, तो थोड़ी सी आपको गमला इसमें ज़्यादा बड़ा लेना, मीन्स या 10 से 12 इंच से परिजात के पौधे को आपको गमले की शुरुआत करनी है। क्योंकि दोस्तों जो पौधा होता है ये पौधा एक पेड़ नुमा होता है, अगर इसको ज़मीन में लगाएंगे तो एक पेड़ नुमा बन जाएगा और ये बहुत ही ऊपर जाता है, तो जो इसकी रूट है, रूट दोस्तों ये बॉन्ड होने लगती है अगर छोटे पॉट में इसको आप लगाते हैं तो उस समय आपको समस्या एक आती है कि हर बार इसको रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी और जब बार बार इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो दोस्तों ये पौधे को सूखने की समस्या आ सकती है। तो इसलिए आप पहले से ही 12 इंच, मेरा जो सलाह है आप 12 इंच का गमला स्टार्ट करिए और उसमें लगाने के बाद इसे अच्छे तरीके से देखभाल करिए, देखिए कि पौधा बहुत अच्छे तरीके से बूसी हो सकता है। और दोस्तों होता क्या है कि ये जैसे गर्मी स्टार्ट होता है तो गर्मी में दोस्तों ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रो करता है, उसका ठंडी में दोस्तों इसमें फ्लावर आते हैं। ठंडी की अगर हम बात करें तो सितंबर के कभी कभी देखते होंगे आप, तो सितंबर के महीने में इसमें फ्लावर आना शुरू होता है या अक्टूबर में तो इसमें फ्लावर आना ही आना है इस पौधे में। और उसके बाद जैसे दोस्तों ये बात आती है ये जनवरी और फरवरी में दोस्तों ये ख़त्म होते हैं, मार्च अप्रैल में इसकी ग्रोथ शुरू होती है और उस टाइम पर इसको हार्ड प्रूनिंग आप कर देंगे
तो देखिए जो मेरा जो पौधा है इस समय तो इस प्रूनिंग करने लायक नहीं, अभी छोटा पौधा है, ये अभी ग्रोथ करेगा। लेकिन अगर आपके पास इससे बड़ा पौधा होगा और अप्रैल मई चल रहा है ये महीना, और इस टाइम भी उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर करने लायक है तो प्रूनिंग कर दीजिए। और प्रूनिंग करने के बाद जो हम खाद के बारे में बता रहे हैं उस खाद को आप यूज कर दीजिए। देखिए ये वर्मी कंपोस्ट हमने ले रखा है, वर्मी कंपोस्ट के बाद क्या आपको और लेना है, दूसरा चीज़ इसमें लेना है आप देख रहे हैं सरसों की खली का पाउडर है, सरसों खली का पाउडर इसमें कितना आपको लेना है, 12 इंची गमले के लिए कम से कम दोस्तों ले लीजिए 1 चम्मच, या इसको कह सकते हैं 10 ग्राम। देखिए 10 ग्राम ये उपयुक्त है, तो होता क्या कि इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें उपलब्ध हैं, और इसको ऐड करिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसमें पाउडर फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत लोग कमेंट करेंगे गर्मी में यूज करना है, हाँ जी गर्मी में ये सरसों खली को भी यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे नंबर पर हमको क्या लेना है, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट आप इसमें ले लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके लिए फास्फोरस की जरूरत बहुत होती है, कैल्शियम फास्फोरस की। दोस्तों कैल्शियम फास्फोरस की जरूरत इसलिए पड़ती है, जो स्टेम ऊपर की तरफ भागता रहता है, और ये मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आप ये देख रहे हैं जिसे जो पौधा है, ये पौधा बहुत तेज़ी से इस तरीके से ये ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो इसकी स्टेम को मजबूती बना कर रखना बहुत जरूरी होता है। हाँ कितना यूज करना है रॉक फास्फेट को, तो रॉक फास्फेट दोस्तों इसमें यूज करते हैं 1 चम्मच इसको हम इसमें यूज कर लिए हैं। हाँ रॉक फास्फेट अगर आपके पास नहीं होगा तो आप बोन मिल का भी इसमें यूज कर सकते हैं इसके जगह पे, या स्टोन डस्ट होगा तो स्टोन डस्ट को भी आप इसमें मिक्स कर दीजिए। देखिए हम मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद जो गमले की मिट्टी है इसकी अच्छे तरीके से हम कर देते हैं गुड़ाई। और दोस्तों अगर आपका बड़ा पौधा होगा तो इस तरीके से गुड़ाई करिएगा, और गुड़ाई करने के बाद मिट्टी को दोस्तों आप निकाल लीजिएगा, कम से कम 1 इंच तक मिट्टी को आप बाहर निकाल लीजिएगा। देखिए इस तरीके से मिट्टी करिएगा, इस तरीके से मिट्टी को आप 1 इंच तक इस तरह बाहर निकाल लीजिएगा। मेरा छोटा पौधा है तो हम अभी मिट्टी को नहीं निकालते हैं, हल्का सा इस तरीके से 1 से 2 इंच गुड़ाई करने के बाद, और यहाँ पर हम इसको खाली कर देते हैं, और इस तरीके से ले कर करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके से हम ये रख देते हैं। तो ये मिट्टी है, मिट्टी को ये ऊपर से आप लगा दीजिए, और फिर यहाँ पे हम हल्का सा गड्ढा खन देते हैं। दोस्तों इस तरीके से होता है क्या है कि जैसे आप इसमें पानी देते हैं, पानी देने के बाद तुरंत आप देखते हैं दोस्तों ये आपके पौधे पे ग्रोथ मिलना शुरू होता है। क्योंकि होता है क्या है कि जब ये पानी देंगे तो जो ये नीचे आप इसमें फर्टिलाइजर रख रहे हैं तो रिश्ता उसकी जो कंटेंट है तुरंत रिस के जाएगा, और जब रिस के जाएगा तो तुरंत ही आपके पौधे को देना ये शुरू करेगा। देखिए इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, 12 इंची गमलों में हम 3 जगह रख दिए। और रखने के बाद दोस्तों अगर रिक्वायरमेंट है आपको, अगर मिट्टी लग रही है कि ड्राई है तो इसमें आप दे दीजिए पानी। दोस्तों अभी हम पानी नहीं देंगे, पानी हम ये कल या परसों बाद देंगे जब मिट्टी ड्राई होगी तो। हाँ उसके बाद दोस्तों इसको रखना है शेडी एरिया में, कभी भी नहीं रखना है, ध्यान रहे आपको रखना है इसको धूप में। जितना दोस्तों इसको धूप में रखेंगे उतना अच्छे तरीके से इसकी ग्रोथ शुरू होती है। दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा भी अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।